नमस्कार, स्वागत है आपका बीएचबीसी न्यूज में। मैं आपके साथ सुधा शाह। तो चलिए शुरुआत करते हैं एंटरटेनमेंट की खबरों से। सलमान खान और आलिया भट्ट स्टारर फिल्म इंशाअल्लाह फिल्म का बज उस दिन से बना हुआ है जब से फिल्म को लेकर घोषणा हुई है। अब इस फिल्म की शूटिंग को लेकर तैयारियां जोरों पर है। रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म की शूटिंग के लिए 3 लोकेशन को फाइनल किया गया है। सबसे ज्यादा खास इंतजाम सिक्योरिटी के किए जा रहे हैं। शाहिद कपूर की फिल्म कबीर सिंह अपनी रिलीज के दूसरे हफ्ते में भी बॉक्स ऑफिस पर थमने का नाम नहीं ले रही है। फिल्म 200 करोड़ का आंकड़ा पार कर गई है। अब माना जा रहा है कि आज से ये फिल्म लगभग 7 करोड़ रुपए की कमाई के साथ 200 करोड़ क्लब में धमाकेदार एंट्री करेगी। इसी के साथ कबीर सिंह साल 2019 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है। ये शाहिद की पहली सोलो फिल्म है जिसने 200 करोड़ रुपए की कमाई की है। फिल्मकार डेविड धवन का कहना है कि कूली नंबर 1 की रीमेक एक नई फिल्म है और इसमें कई नई चीजों को दिखाया जाएगा। वरुण धवन इसमें उस किरदार में नजर आएंगे जिसमें कूली नंबर 1 में मशहूर अभिनेता गोविंदर नजर आए थे। 1995 में आई इस फिल्म को वरुण धवन के पिता डेविड धवन ने निर्देशित किया था। इस रीमेक को भी डेविड ही बनाएंगे और फिल्म में करिश्मा कपूर के किरदार में अभिनेत्री सारा अली खान नजर आएंगी। बाहुबली स्टार प्रभास और श्रद्धा कपूर की फिल्म साहो का फर्स्ट सॉन्ग जल्द ही रिलीज होने वाला है। खुद प्रभास ने इस पार्टी सॉन्ग का पोस्टर इंस्टाग्राम पर शेयर किया है जिसमें प्रभास और श्रद्धा का किलर लुक नजर आया है। फिल्म साहो 15 अगस्त को रिलीज हो रही है। एक्ट्रेस और सांसद नुसरत जहां आज यानी 4 जुलाई को शादी का ग्रैंड रिसेप्शन देंगी। नुसरत ने बिजनेसमैन निखिल जैन से तुर्की की राजधानी इस्तांबुल में शादी की थी। शादी के बाद से नुसरत की पति के साथ लगातार तस्वीरें सामने आ रही है। हाल ही में नुसरत और निखिल की कुछ तस्वीरें वायरल हुई जिसमें नुसरत शॉर्ट्स पहने दिख रही है। फिलहाल खबर में बस इतना ही। देखते रहिए बीएचबीसी न्यूज़।